कमरे से शाम को जाकर देखे कभी अपने कमरे से शाम को जाकर देखे अरे अपनी जान से ज्यादा रखती अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान भगत के भजन भगवान भगत के भजन भगवान जन्माष्टमी का दिन था और वो बुढ़िया बहुत ही बीमार हो गई। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसने अपने बेटे के बहू को कहा, बेटा आज जन्माष्टमी का दिन है और मेरे भगवान कन्हैया को स्नान कराओ, नया वस्त्र पहनाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ। वो बहू कोई जरूरी काम में थी कंप्यूटर पर। बहू ने कहा, माँ अभी मैं कोई काम में हूँ, दो घंटों के बाद में आपके भगवान को मैं स्नान करा के माखन मिश्री का भोग लगा दूंगी। वो बुढ़िया बोली, नहीं, वर्षों से हमारे जो पहले घर में जो काम होता है वो मेरे कन्हैया का होता है और बाद में जो आपके चाहे वो आप काम कर सकते हैं। बहू को मन में गुस्सा आया, गुस्से में आकर भगवान की मूर्ति हाथ में ली और जैसे मूर्ति हाथ में ली और वो मूर्ति हाथ से गिर गई और जैसे मूर्ति हाथ से गिरी और वो बुढ़िया चिल्लाई, बोले वो लल्ला लल्ला पुकारे वो लल्ला लल्ला पुकारे आज क्या जुल्म हुआ रे बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे जाओ डॉक्टर को बुलाओ लाल का हाल बताओ अगर उसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान और वो बुढ़िया बोली जाओ डॉक्टर को बुलाओ और मेरे हाल लाल का हाल बताओ। अब आराम करो, जाओ डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लाल का हाल बताओ इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। डॉक्टर ने बोला